हेलो अभी वन, दिस इज मनमोहन तिवारी एंड योर वॉचिंग अवर चैनल फिनांसियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में अगर आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज टॉपिक में क्या होने वाला है एग्जैक्टली, आज जो मैं बात करूंगा पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। देखो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड का अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। एग्जैक्टली अब पारंपरिक यहाँ पे फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया है। जैसा कि आप जानते हो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को लेके सेबी ने जो यहाँ पे नया रेगुलेशन लेके आए थे कि एग्जैक्टली 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, 25% लार्ज कैप में मिनिमम परसेंटेज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एएमसी के लिए वाकई में टेंशन हो गया था कि अब यहाँ पे जो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड एज ए मल्टी कैप है उसमें स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करें। इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है अब शायद वो रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड एज ए फ्लैक्सी कैप हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है, वो कितना परसेंट भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड जो अब फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया है, उसमें क्या यूनिक है जो यहाँ पे इन्वेस्टर को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपने कैटेगरी में। एग्जैक्टली ये पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो सबसे यूनिक है रिटर्न के मामले में देखें, और डाउनसाइड अगर प्रोटेक्शन के मामले में देखें तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर का सबसे पसंदीदा म्यूचुअल फंड है अगर हम मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये एक पसंदीदा म्यूचुअल फंड है। अब देखो जो इसका यूनिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज इंटरनेशनल स्टॉक्स पे फोकस किया गया है, और वो स्ट्रक्चर जो यूनिक स्ट्रक्चर है उसके चलते इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। तो वीडियो में ये भी कवर करेंगे जो ये पारंपरिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड है ये इतना स्ट्रांग किस रीजन से है। दूसरी बात हम ये भी कवर करेंगे कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड में हम यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, SIP और लमसम के साथ चल सकते हैं कि नहीं, हम इस पे भी बात करेंगे। इस म्यूचुअल फंड का अगर हम फंड एनालिसिस करें तो आपके सामने है। देखो अगर रिटर्न्स परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हो जो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स है वो हाई है। अब अपनी कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न हाई है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करें, इस म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी स्ट्रांग है। इट मींस कि ये म्यूचुअल फंड का अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड या 10 साल का रिकॉर्ड या पूरा हिस्टोरिकल आप देखोगे रेगुलर प्लान में, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है तो ऐसे म्यूचुअल फंड में कम गिरावट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जो इसका यूनिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इसको सपोर्ट करता है। दूसरी बात, कैटेगरी एवरेज में अगर मान लो 2-3% का नेगेटिव हो या 5-8% का नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो, तो इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। दूसरी बात अगर करें हम 5 साल का अगर रोलिंग रिटर्न देखें तो ये देखने को मिला है जो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इट मीन्स इन्वेस्टर को लॉन्ग टाइम में अगर गिरावट होता भी है तो नेगेटिव रिटर्न देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। मिला के फंड एनालिसिस को बहुत समराइज करके बोलें तो एग्जैक्टली इस म्यूचुअल फंड पे हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर हैं जिनको नहीं पता कि वाकई में इस म्यूचुअल फंड का कितना स्ट्रांग रिटर्न है, तो उनके सामने मैं रिटर्न भी रखना चाहूंगा। इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न आप देख सकते हो, 1 साल में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न ऑन द एवरेज एनुअल बेसिस पे 33-34% का रिटर्न है। अब हम कैटेगरी एवरेज से भी तो कंपेयर करेंगे कि वाकई में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं। कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 16-17% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहां बीट ही नहीं किया है, डबल रिटर्न देखने को मिला है। 2 साल में अगर रिटर्न को देखें 23-24% का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड से, जबकि कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 13-14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज को बीट ही नहीं कर रहा है, इट मींस कि कहीं ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज से। वहीं पे अगर हम 3 साल का डाटा भी देखें तो 3 साल में ऑन द एवरेज एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो यहाँ 15-16% का रिटर्न है, लेकिन कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 6-7% का रिटर्न है। ये एक पॉजिटिव साइन है, जब हमेशा कोई म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है तो ये एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाता है। वहीं पे 5 साल के रिटर्न की बात करें 15-16% का एनुअलाइज रिटर्न है, और वहीं पे कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 12-13% का रिटर्न है। लॉन्ग ड्यूरेशन की भी बात करें, सिंस इंसेप्शन 2013 से अगर हम डाटा को कंपेयर करें तो इस म्यूचुअल फंड का ऑन द एवरेज एनुअलाइज रिटर्न जो है 18-19% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 10-11% है। कैटेगरी एवरेज में कम रिटर्न क्यों है? क्योंकि जितने भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है जो अब फ्लैक्सी कैप में ट्रांसफर हो रहे हैं धीरे धीरे, उसका जो फोकस है वो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा फोकस है। और यही नहीं कि इस म्यूचुअल फंड का सिर्फ लमसम रिटर्न अच्छा है, SIP रिटर्न भी आपके सामने। SIP रिटर्न आप देख सकते हो 1 साल में
53% का रिटर्न दिया है, 2 साल में ऑलमोस्ट 31-32% का रिटर्न है, 3 साल में ऑलमोस्ट 22-23% का रिटर्न है, और 5 साल में आप देख सकते हो 18-19% का रिटर्न मिल रहा है। देखो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं या बहुत ऐसे एनालाइजर ये बोलते हैं कि आज के डेट में अगर 2 साल कोई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है तो ये नहीं है कि हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देगा, कई बार गिरावट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस म्यूचुअल फंड का हमने हिस्टोरिकल डाटा देखा है, रेगुलर प्लान का भी देखा है, डायरेक्ट प्लान का भी देखा है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी इस म्यूचुअल फंड में जब गिरावट हुआ है तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, जब मार्केट में तेजी देखा गया है तो सारे अपने कैटेगरी एवरेज में सबसे अच्छा और आउट परफॉर्मेंस भी दिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड पे हम भरोसा कर सकते हैं। देखो अगर कोई म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा रहे हैं तो अगर वो एफडी के रिटर्न को बीट कर रहा है तो वेल एंड गुड है, डेप्ट और लिक्विड फंड के रिटर्न को बीट कर रहा है तो वेल एंड गुड है, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है तो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। देखो आपके सामने मैं डाटा रखना चाहता हूं, यहां पे देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड में अगर 5 साल पहले किसी ने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में इस फंड का जो रिटर्न है 16-17% का, इट मींस का वैल्यू कितना हो जाता है 21,000 के करीब में, जबकि कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 17,000 का वैल्यू होता है। वहीं पर बैंक एफडी की बात करें तो 14,000 रुपए होता है और गोल्ड की बात करें तो 18-19,000 होता है। तो आप देख सकते हो इसने गोल्ड के रिटर्न को भी बीट किया है, एफडी के रिटर्न को भी बीट किया है, अपने कैटेगरी एवरेज के भी रिटर्न को बीट किया है। ये कोई 1 साल 2 साल और 3 साल का मैंने हिस्टोरिकल डाटा आपके सामने नहीं देखा, 5 साल का लॉन्ग ड्यूरेशन का रखा है। आप 10 साल का भी अगर इसका हिस्टोरिकल डाटा देखोगे तो ये कैटेगरी एवरेज, गोल्ड, एफडी इन सारों को बीट कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है म्यूचुअल फंड के लिए। हाँ, अब एसआईपी और लमसम इन्वेस्टर के लिए बात आता है कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करके चले या नहीं चले। एग्जैक्टली इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करके चल सकते हो, एसआईपी को कोई टाइम नहीं होता, मार्केट हाई हो मार्केट लो हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको 5-10 साल के लिए जाना है, उससे भी ऊपर जाना है, तो आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके माइंड में कंफ्यूजन होता है कि क्या अभी एसआईपी का टाइम है, क्या अभी एसआईपी का टाइम है, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत क्वेरी आता है। मैं आपको बता दूं कि एसआईपी का टाइम कभी भी आप स्टार्ट करो वही सबसे सही टाइम होता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में, एग्जैक्टली 1 साल और 2 साल के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप आज के टाइम में अगर आप 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जा रहे हो तो ये सही टाइम है। मैं 5-10-15 साल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बोल रहा हूँ, आज के डेट में आप कभी भी पराग पैरिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात लमसम की आती है, लमसम तो मैं अभी मना करूंगा, एग्जैक्टली मार्केट बहुत ही हाई पे है, आज पी रेशियो देखे तो बहुत ही महंगा हो रखा है मार्केट, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ठहर के चलना पड़ेगा, गिरावट होगा तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एज अ लमसम, और वो भी पूरा पैसा नहीं। मैं कई बार ये स्ट्रैटेजी बताया हूँ, वो भी पूरा पैसा आपको एक बार में नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, लेकिन गिरावट एसआईपी के लिए समझ के कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, लमसम के लिए थोड़ा वेट करना है जब मार्केट में गिरावट हो। तो अगर आपको लगता है एग्जैक्टली कि कुछ एक क्वेरी है आपके माइंड में पराग पारी फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड को लेके, तो एग्जैक्टली कमेंट बॉक्स में आके आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। अगले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।